Oh, very good morning, dear children. today we are going to revise our poem that is dust of snow. so, dear children, this poem is written by robert frost, who was an american poet, and he wrote about the rural life in america in early 20th century. he also received the pulitzer prize for his poetry four times. so this is our poem, dust of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root. So, dear children, this poem is set in winter season and once the speaker was passing under a fir tree. So he was sprinkled with snow. And how did that happen? अ करो शूक स्नो फ्राम द ट्री एज ही पास्ट अंडर इट एक बार क्या होता है कि जब स्पीकर जो है हेमलाक ट्री के नीचे से निकल जाता है तब देर वॉज अ क्रोस सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द हेम लॉक ट्री एंड वेन ही शूट द ब्रांच तो क्या होता है सडन शार होता है स्पीकर के ऊपर एंड ही फेल्ड एन अनएक्सपेक्टेड चिल्ड और एंड ही इंजॉय इट वो जो लाइट शार ऑफ स्नो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है एज इट इज़ written इन द poem ऑफ अ डे दैट आई हैड रूड कि अर्लियर क्या होता है उसका मूड जो होता है बहुत खराब होता है किसी वजह से ही वॉज डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग दैट हैड हैपन्ड अर्लियर इन द डे उसका किसी बात से जो था मूड जो था बहुत ज़्यादा खराब होता है वो बहुत ही डिप्रेशन में होता है एंड दिस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स तो ये जो सरप्राइज आता है उसके लिए अनएक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड जो फ्लरी होती है स्नो की उसकी स्पिरिट्स को लिफ्ट कर देती है ठीक है उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट होती हैं वो चेयरफुल मूड में चेंज हो जाती हैं सो दिस शोज दैट द स्पीकर वॉज अ ट्रू लवर ऑफ नेचर एंड इसमें जो हैंडलॉक ट्री है बिकॉज इट इज़ अ पॉइजनस ट्री वो जो हैमलॉक ट्री है उसको अच्छा नहीं माना जाता है और क्रो को भी अच्छा नहीं माना जाता है तो हैमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री माना जाता है ठीक है तो उसको कैसे उसका नेचर से उसका एक अलग प्यार है और जो उसके डिसअपॉइंटमेंट्स को क्या कर देता है उसकी स्ट्रेंथ बना देता है उसके मूड को चेयरफुल कर देता है उसकी स्पिरिट्स को लिफ्ट कर देता है ठीक है तो ये चेंज कर देता है द होल ऑफ सिनारीट डे ऑफ द पोएट्स डे पूरे सिनारियों को बदल देता है सो इन दिस पोएम द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड हमें किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए एंड वी शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूज टू ब्लैसेस हमें उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो नेचर ने हमारे को हमारे लिए चूज़ किया है जिससे हमें नेचर ने ब्लेस किया है ठीक है हमें किसी भी चीज़ को इन इनऑस्पिशस नहीं समझना चाहिए हमारे जो नेगेटिव रेफरेंसेस दी हैं वो इस पोएम में जैसे कि क्रो है हेमलॉक ट्री है हमें उनको ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए नेचर की कोई भी चीज़ हो क्योंकि फिर क्या हुआ था जो उसका बैड मूड था स्पीकर का वो चेंज हो गया था ठीक है सारा उस दिन का सिनेरियो चेंज हो गया था और उसका जो मूड था वो लिफ्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ द स्नो एंड दिस ऑल्सो शोज द स्पीकर ट्रू लव फॉर नेचर ठीक है इसमें स्पीकर का नेचर के साथ एक ट्रू लव भी दिखाया गया है ठीक है So, I hope the poem is very much clear to you, my dear children. That's for the day. Thank you. Have a nice day.